अमेरिका अब भी हमास के साथ जंग में इसराइल के दिफाई हक की भरपूर हिमायत करता है, व्हाइट हाउस। गजा में सुरंगों में समुद्री पानी छोड़ने की खबरों पर सदर बाइडेन का रद्दअमल। इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आने की उम्मीद है, जॉन कर्बी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया जेब रांझा। सदर जो बाइडेन की जानिब से इस बयान के बाद के इसराइल अंधाधुंध बमबारी की वजह से बैन अल-अक़वामी हिमायत खो रहा है, व्हाइट हाउस ने इन रिमार्क्स की वजाहत की कोशिश में ऐलान किया कि अमेरिका अब भी हमास के साथ जंग में इसराइल के दिफाई हक की भरपूर हिमायत करता है। Our support for Israel is not diminished, but we have had concerns and we have expressed those concerns. कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने बुध को व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि सदर बाइडेन के तबसरे उस तशवीश की अकासी करते हैं जो इंतजामिया को कुछ अरसे से थी और रहेगी, और ये तशवीश फौजी ऑपरेशन में शहरियों को पहुंचने वाले नुकसानात को मुमकिन हद तक कम करने से मुतालिक है। कर्बी ने गजा में जंगबंदी के लिए अक्वामे मुत्तहिदा के मुतालबात की हिमायत न करने के इंतजामिया के फैसले का भी दिफा किया। उन्होंने कहा कि अभी जंगबंदी की हिमायत करना हमास के साथ अक्टूबर को किए गए इकदामात की तौसीक करेगा। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। सदर जो बाइडेन ने इन रिपोर्ट्स का बराह रास्त जवाब देने से इनकार कर दिया कि इसराइल हमास के सुरंगों के नेटवर्क में समंदरी पानी छोड़ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से, जिनका नाम जाहिर नहीं किया गया, खबर दी थी कि इसराइल ने हाल ही में गजा की सुरंगों के एक बड़े नेटवर्क में समंदरी पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और ये सिलसिला कई हफ्तों तक जारी रहेगा। सदर बाइडेन का कहना था कि सुरंगों में पानी छोड़ने के हवाले से वो कुछ नहीं कह सकते। इसराइल की फौज ने कहा है कि वो इन रिपोर्ट्स का जायजा ले रही है। इसराइल की वजारत दिफा के एक तर्जुमान ने इस बारे में तबसरा करने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि अमेरिका समझता है कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आने की उम्मीद है। Our team was working very hard on normalization between Israel and Saudi Arabia. कर्बी ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया पैरामीटर्स को मुतायन करने और आगे बढ़ने के लिए दो रियासती हल के लिए शराइत तय करने की कोशिश में सरगर्म अमल थी कि इसी दौरान इसराइल और हमास के हमलों ने इस कोशिश को नुकसान पहुंचाया। दो अमरीकी हुकाम ने बताया कि व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलेवान ने बुध के रोज सऊदी अरब में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है, जिसमें गजा के तनाजे और दीगर इलाकाई मसाइल पर बातचीत की गयी। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने रिपब्लिकन पार्टी के अक्सरियती वोट से डेमोक्रेटिक सदर जो बाइडेन के खिलाफ मुआखजे की तहकीकात की इजाज़त दे दी है। सदर बाइडेन की बद इंतजामी के बारे में सबूत पेश करने से मुतालिक रिपब्लिकन अरकान के खदशात के बावजूद पार्टी के तमाम अरकान ने सदर के मुआखजे की तहकीकात कराने के हक में वोट दिया। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन पार्टी के तमाम 221 अरकान ने सदर के मुआखजे के हक में वोट डाला, जबकि मुखालफत में 212 वोट पड़े। अमरीकी आइन के मुताबिक मुआखजे की कोशिश की कामयाबी का मतलब बड़े जराइम और बदउनवानियों की सजा है, और अगर अमरीकी कांग्रेस के दूसरे ऐवान यानी सेनेट में मुकदमे में जुर्म साबित हो जाए तो सदर को ओहदे से हटाया जा सकता है। दूसरी जानिब सदर बाइडेन ने मुआखजे की कोशिश के बारे में एक में अपने और खानदान के खिलाफ तहकीकात की पैरवी से मुतालिक रिपब्लिकन्स की तरजीहात पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अमरीकियों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में मदद के लिए कुछ करने के बजाय रिपब्लिकन्स मुझ पर झूठ पर मबनी हमला करने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। ऐवान नुमाइंदगान में सदर के मुआखजे की तहकीकात की करारदाद की डेमोक्रेट्स ने मुखालफत की, और इस सिलसिले में कार्रवाई को ट्रंप के खिलाफ दो मुआखजों का बदला लेने का मुज़हका खेज ढोंग करार दिया। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सूडान का कहना है कि अगर खुराक तक रसाई और बाकायदा तरसील को बढ़ाया नहीं गया तो मुल्क में भूख में इजाफे का शदीद खतरा है। We are warning of a looming hunger catastrophe. WFP की तर्जुमान लैनी कैंजली ने कहा कि मुतासरा इलाकों में दारुल हुकूमत खरतूम के साथ साथ मगरिब में दारफर का इलाका और जनूब वस्ती कोर्डोफन का इलाका भी शामिल है। कैंजली ने कहा कि एक नए तजर्बे से पता चलता है कि सूडान फसल की कटाई के मौसम में अब तक की सबसे ज्यादा भूख का शिकार है। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया जिब्रान झा और एडिटर बहजत जिलानी को इजाजत दीजिए।